हेलो दोस्तों, मैं संदीप, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अरवल में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे जो यूपी पुलिस के जेल वार्डन, फायरमैन और घुड़सवार के एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसकी आप लोगों को पता है डेट भी आ गई है कि इसी साल सितंबर माह में होने निश्चित हुए हैं। ठीक, तो देखिए आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी और कितने नंबर तक आप सही से अर्जित करते तो आप मेरिट से बाहर नहीं होंगे, तो इस चीज़ के लिए हम ये वीडियो बनाए हैं। तो देखिए आप भरोसा करिए और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जेल वार्डन के बारे में। देखिए इसमें कुछ ये 2016 में पहले वैकेंसी आई थी, जिसमें पहले हुआ था कि मेरिट के आधार पर होंगी। ठीक, उसके बाद जब बीजेपी की सरकार है तो उसने कहा नहीं, मेरिट के आधार पर नहीं, लिखित आधार पर होंगी। तो 2018 में फिर से फॉर्म निकाले गए और 2016 में जिसने डाला था, पहले 200 रुपये फीस था, अब 2018 में क्या हुआ कि 400 रुपये फीस हो गया। तो जिसने 2016 में डाला था उसे केवल 200 रुपये पेड करने पड़े थे। तो इस तरीके से जो दूसरे लोग थे वो भी इसमें फॉर्म डाल सकते थे। ठीक, तो ये थी इसकी वो। तो देखिए हम बात कर लेते हैं कि कितने पद हैं। तो जेल वार्डन में 3012 पद हैं, फायरमैन में 2065 हैं और घुड़सवार के 102 पद हैं। ठीक, लगभग ये 5000 से ऊपर की वैकेंसी है, 5000+ की वैकेंसी है। तो हम इसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि कितने क्वेश्चन होंगे, क्या निगेटिव मार्किंग होगी, कैसे आप किस तरीके से एक अच्छे से अटैम्प्ट करना है पेपर को, क्योंकि देखिए हर मौका लास्ट टाइम होता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने क्वेश्चन होंगे, पाठ्यक्रम क्या होगा। ठीक, इसका सिलेबस क्या होगा, इसका क्या सिलेबस कैसा होगा, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए आपको पता होगा कि 150 क्वेश्चन है, अगर नहीं पता है फिर भी आप लोग जान लीजिए कि टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक, 300 मार्क के, कहने का मतलब क्या है कि हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, कोई भी प्रकार का क्वेश्चन हो वो हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। इसके अलावा बात करते हैं निगेटिव मार्किंग की, तो अगर आप कहना चाहते हो तो 1/4 कह सकते हो, या फिर 25% कह सकते हो, या फिर अगर नंबर की बात करते हैं तो आधा नंबर आप कह सकते हो। क्यों? क्योंकि देखिए 1/4 मतलब क्या, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो एक क्वेश्चन आपका गलत मान लिया जाएगा, गलत काट दिया जाएगा। कहने का मतलब क्या है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, अगर एक क्वेश्चन गलत करते हो तो सही वाले में से आधा आधा नंबर भी काट दिया जाएगा। एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिलते हैं तो सही वाले क्वेश्चन से आधा नंबर काट दिया जाएगा। ठीक, कहने का मतलब ये हो गया। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं इसका सिलेबस की। तो सिलेबस क्या है, देखिए सबसे पहली बात जीके जनरल नॉलेज आएगा, इसमें सब कुछ होगा, आपका करंट होगा, यूपी स्पेशल होगा, जो भी है सब कुछ होंगे। उसके टोटल 38 क्वेश्चन हैं, देखिए सिलेबस है, हम सिलेबस की बात कर रहे हैं। ठीक, 38 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के, यानी 76 नंबर के 38 क्वेश्चन होंगे। अगला हम बात करते हैं न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, तो इसके भी 38 क्वेश्चन होंगे, 76 नंबर के, यानी मैथ्स जिसको आप बोल सकते हैं। ठीक, अब देखिए अब आगे बात करते हैं मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, जिसको आप रीजनिंग बोलते हो, उसके टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 37 क्वेश्चन होंगे, 74 नंबर के। कितने क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन, 74 नंबर के। उसी तरह से हिंदी की बात करते हो तो हिंदी में भी 37 क्वेश्चन होंगे और 74 नंबर के, यानी कुल मिला के टोटल कितने हो गए, टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 150, और टोटल मार्क कितने हो गए, 300। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि निगेटिव मार्किंग है। और 37, देखिए 38 क्वेश्चन होंगे जीएस के, 38 मैथ के, 37 रीजनिंग के और 37 हिंदी के। देखिए हम जैसे कि पिछले जो पुलिस के पेपर हुए थे, हालांकि हो सकता है क्योंकि हमने पिछले बहुत सारे पेपर देखे, सब में क्या होता था कि आपको हिंदी के तो 37 क्वेश्चन मिलते थे, हिंदी के 37 क्वेश्चन मिलते थे, जीएस के 37 क्वेश्चन मिलते थे। ठीक, मगर मैथ के 37 क्वेश्चन ना होके केवल और केवल 18 से 20 क्वेश्चन होते थे, मैथ के 37 क्वेश्चन ना होके केवल और केवल 18 से 38 क्वेश्चन होते, 18 से 20 होते थे। और वही क्वेश्चन क्या करते थे, रीजनिंग में बढ़ा दे जाते थे, मतलब रीजनिंग का पोर्शन बहुत हो जाता था। इधर से आपके 38 में से 18 क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन वो, और 27 क्वेश्चन वो, 37 क्वेश्चन वो, मतलब लगभग 57 क्वेश्चन रीजनिंग के होते थे, जिससे आप लोगों के लिए और भी आसान है, क्योंकि जिसका मैथ कमज़ोर है उसके लिए बहुत अच्छी बात थी। तो हो सकता है इस बार भी वैसा हो, मगर हम अपने सिलेबस के अनुसार देखेंगे। चलिए अब देखिए आपको पढ़ना क्या है, अगर आपको अच्छे से टॉप करना है या फिर आपको जॉब चाहिए, सर्दियाँ जॉब चाहिए, तो आपको पढ़ना क्या है सबसे पहले ये देखते हैं। ठीक, इससे बहुत बड़ा वो होता कि आपको पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना। ठीक, तो पढ़ना क्या है, सबसे पहले आपको यूपी स्पेशल पढ़ना, क्योंकि हमने देखा है कि जो भी पिछले पेपर हुए यूपी पुलिस के या फिर
यूपी से रिलेटेड जितनी वैकेंसियां हैं उनमें से हमने देखा है कि 8 से 10 क्वेश्चन आपको हर एक मॉडल में मिल जाएंगे, हर एक पेपर में मिलेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं, आप देख सकते हैं, उसके बाद आपको ट्रस्ट भी होगा हाँ कि यूपी स्पेशल से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 8 से 10 क्वेश्चन हमने खुद देखे हैं ठीक पेपर को। तो ये चीज़ें हैं, तो इसके लिए आपको यूपी स्पेशल अच्छे से तैयार करना है, बहुत अच्छे से तैयार करना है, जिसमें सबसे पहली बात क्या, आपको कृषि के बारे में ध्यान रखना है कि कहाँ की मिट्टी कैसी है, कहाँ कौन सी फसल होती है, सबसे ज़्यादा फसल कैसी होती है और जलवायु कैसा है ठीक, और कौन कौन से रोजगार हैं, ये चीज़ें देखनी है। मेला से एक क्वेश्चन होता कि जैसे नौचंदी मेला कहाँ लगता है ना, इस तरीके से त्यौहार देखने हैं कि कौन सा त्यौहार, कि कौन से लोग इसे कर्मा नृत्य हो गए है ना, त्यौहार कौन सा नृत्य ठीक, मंदिर कौन सा मंदिर, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं मंदिर की, ऐसे पूछ लेते हैं कि जो द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था ना, जहाँ पे अर्जुन ने मछली को निशान लगाया था, तो वो कहाँ पड़ता है वर्तमान में। तो इस तरीके से उद्योग के बारे में बात करते हैं ठीक, पर्यटन स्थल के बारे में बात करते हैं, और बुंदेलखंड क्षेत्र से बहुत क्वेश्चन पूछे गए, बुंदेलखंड क्षेत्र से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो इसको तो बहुत ही स्पेशली याद करना है, इसमें कितने जिले आते हैं और कहाँ से क्या होता है, क्या पैदा होता है इस तरीके से। और उत्तर प्रदेश के विस्तार के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा ठीक। इसके अलावा देखिए, अगर आप कुछ करना चाहते हो, हमारी 12 बजे की ऑनलाइन क्लास होती है यूपी स्पेशल की ठीक, जिसमें हम जितने भी आज तक पेपर हुए हैं यूपी के एग्जाम में, चाहे बीडीओ हो, जूनियर असिस्टेंट हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, या यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सबके क्वेश्चन हम वही क्वेश्चन जो कि आए हुए एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनका हम निचोड़ लेके आ रहे हैं सब, मतलब वही क्वेश्चन सारे हम इकट्ठे करके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज होती है, टॉप 20 क्वेश्चन की, और रोज 12 बजे, दोपहर 12 बजे हम चलाते हैं, तो उसे आप देख लेंगे, बहुत ही फायदा करेगा। बाकी आपकी इच्छा है, आप क्या करना चाहते हो वो आपके ऊपर। उसके अलावा आपको करंट अफेयर पढ़ने से 2 क्वेश्चन तो आपको अमूमन 2 से 3 4 5, मतलब 3 4 क्वेश्चन आपको अमूमन देखने को मिल ही जाते हैं ठीक। जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है आपको देखना ही है, उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी योजना है करंट में, इनको तो देख ही लेना है। उसके साथ ही साथ एक जिला एक उत्पाद से एक क्वेश्चन तो 100% आता ही था ठीक, तो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। और कोरोना से संबंधित, देखिए कोरोना हाल ही में बहुत प्रचलित है, तो इससे संबंधित और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो कुछ भी है उनको आपको जरूर देखना ठीक। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो कुछ भी है उनको आपको जरूर देखना। अगर आप इतना पोर्शन तैयार करते हो तो आपको कम से कम 15 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे ठीक, जिया समय आप 15 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे आपको, इतने बड़े पैराग्राफ से, केवल यूपी स्पेशल से और करंट अफेयर से। देखिए ऐसा नहीं करना है कि इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, भाई पढ़ते रहना, मगर इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जोर देना ठीक, आपको इनको ज़रूर पढ़ना है ठीक। खास करके आप हमारे हमारे जो ऑनलाइन जो सीरीज चलती है उसको आप देख सकते हैं ठीक, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए और करंट अफेयर में, या कोई सरकारी योजनाएं और कोरोना संबंधित और जो भी करंट की चीज़ें हैं उनको आपको देखते रहना ठीक है, क्योंकि क्या है करंट रोज़ रोज़ पढ़ते रहना आपको ठीक। उसके अलावा देखिए, उसके अलावा क्या होगा कि आपको संविधान देखना है, संविधान तो हर पेपर में पूछा जाएगा, तो संविधान को अच्छे से पढ़ लेना है, जिससे आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और विज्ञान, विज्ञान के लगभग 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय, ये भी सब सभी पेपरों के लिए इंपॉर्टेंट होता, तो 1 क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछ लेते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रख करना है। देखिए ऐसा नहीं है कि आप बहुत कुछ पढ़ो है ना, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो इसके लिए आपको इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस देना और बाकी चीज़ें पढ़ते रहिए, ऐसा नहीं कि वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ठीक, ये हमारा अनुभव कहता है। तो आपको यहाँ से अच्छे से तैयारी करनी है, इन चैप्टर को अच्छे से उठाना है और अच्छे से पढ़ना है ठीक। चलिए अब बात कर लेते हैं हिंदी की। देखिए कोई भी पेपर हो, आपको सिलेक्शन देने में हिंदी का सबसे बड़ा रोल होगा ठीक। 37 क्वेश्चन होते हैं हिंदी के, और इसमें आसानी से आप 32 से 35 क्वेश्चन कर सकते हो आसानी से, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप आसानी से 32 से 35 क्वेश्चन आप 37 में से हल कर सकते हो ठीक। ऐसा नहीं 37 में से आप 37 भी कर सकते हो, मगर उसके लिए आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा अच्छे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछाते हैं हम भी इसका जो, इसीलिए हमने 5 बजे हमेशा हम क्या करते हैं कि एक प्रीवियस ईयर का पेपर लेके आते हैं, चाहे पुलिस का हो, वीडियो का हो, रोज़ हम हमेशा नए नए पेपर सॉल्व कराते हैं जूनियर असिस्टेंट, जिसमें किसी प्रकार की आप देखेंगे कि एक से अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि ये पूछे हुए क्वेश्चन हैं, किसी का भी प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर पेपर हम उठा लेते हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट का, वीडियो का, पुलिस का, एसआई का, हमने सारे पेपर सॉल्व कराए हैं, वहाँ पे जाकर के आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए उनको देखिए ठीक। तो हिंदी में आपको पढ़ना क्या है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट करके देखिए, हिंदी के हमने नोट्स एक बना रखे जिसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं ठीक, और चैनल सब्सक्राइब कर लें है ना।
चलिए देखते हैं हिंदी में आपको क्या करना। सबसे पहले प्रमुख पत्रिकाएं पढ़ना है कि कौन सी पत्रिका कब निकली है, प्रथम पत्रिका कौन सी है, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है ना, उदंत मार्तंड, बंगाल गजट, इस तरीके से जो भी हैं इनके लेखक, जो इनके संपादक हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी का रोल, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जन्मे सभी कवि, उनके जन्म स्थान, देखिए पिछली बार जन्म स्थान से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था है ना, और महादेवी वर्मा का, इस तरह बहुत ज़्यादा पूछा थे। तो जो भी उत्तर प्रदेश के जन्म स्थान है ना कवियों के, उनको याद रखना, उनकी रचनाएं, क्योंकि स्पेशली उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश से पूछना लाजमी है, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ पुरस्कार हैं जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनको याद रखना है, साहित्य अकादमी के बारे में इनको याद रखना, और व्यास सम्मान इनके बारे में याद रखना है। इसके अलावा रस, छंद, अलंकार, देखिए अगर आपको रस समझ में नहीं आता, छंद समझ में नहीं आता है, अलंकार समझ में, तो अलंकार की हमने बहुत ही अच्छी वीडियो बना रखी है, बहुत अच्छी, जिसको लगभग 15,000 लोगों ने देख भी रखा है, ठीक। तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं अलंकार वाले, उसमें तो वहाँ पे आपको इसकी चार वीडियो मिलेंगी, चार वीडियो हमने पूरा अलंकार पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से, ठीक, तो आप उसे देख सकते हैं, ठीक। इसके अलावा हमने रस भी पढ़ाया है, ठीक, तो देख सकते हैं आप, आपको समझ में ज़रूर आएगा, बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया है, और हमें अगर देखना तो हमें कमेंट करके जरूर बताना होगा ऐसे लगे, ठीक। इसके अलावा देखिए तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, इनसे तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इनको तो आपको देखना ही है। इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबोधन, समुच्चय, विस्मयादि या फिर निपात, इनके बारे में आपको अच्छे से देख लेना है। इसके अलावा वर्णमाला, जो कि इसका बहुत बड़ा रोल होता है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तो हर हाल में पूछे जाते हैं वर्णमाला से, और एकदम आसान चैप्टर भी होता है, शब्द से देख लेना, वाक्य से देख लेना, वाक्य कितने होते हैं, तीन होते हैं ना रचना के आधार पे, या फिर अर्थ के आधार पे आठ होते हैं, तो ये चीज़ें आपको देखनी है, सरल है ना, संयुक्त और मिश्रित वाक्य ना, इस तरीके से समास, संधि है ना, संधि, समास और विराम चिन्ह, देखिए विराम चिन्ह एकदम आसान होते हैं, एक क्वेश्चन इससे पूछा था कि मान लिया इस तरह से देखें कि ये किसका है, पूर्ण विराम का है, ये क्या है, अर्ध विराम है ना, ये इस तरह की चीज़ें पूछी जाती है, तो इनको याद रखेंगे। दूसरा लिंग से, देखिए लिंग से दो तीन क्वेश्चन मिल जाते हैं, दो क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं, लिंग वचन से, एक वचन बहुवचन से, जैसे अभी पिछली बार पूछा गया था नेता का बहुवचन क्या होगा, तो नेता का बहुवचन नेता ही होता है ना, इस तरीके से नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो नेत्री हो जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और हमने लिंग का बहुत अच्छा वीडियो बना रखा, बहुत अच्छा, हम देखिए हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंग का और अलंकार के जो भी कुछ अच्छे वीडियो हैं आपके लिए, जो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो सकते हैं, वो हम आपको लिंक में मिल जाएंगे, ठीक। कारक हो गया, वाच्य के बारे में पढ़ लेना, काल के बारे में, और शब्दयुग्म, शब्दयुग्म क्या होता है, जो देखने में एक जैसे होते हैं, जिनको संस्कृत भिन्नार्थक शब्द भी बोलते हैं, जैसे पूछ लेते हैं कि आदि और आदि में क्या अंतर है, आदि और आदि, तो आदि और आदि, आदि आदि में क्या अंतर है ना, कंजर कुंजर है ना, या फिर जलज जलद है ना, ऐसे पूछ लेते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, संस्कृत भिन्नार्थक, जैसे जलद और जलज, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछा है, जैसे जलद मतलब क्या, जल देने वाला यानी बादल हो जाएगा, जलज मतलब क्या, जल से उत्पन्न यानी कमल हो जाएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने हैं। और हिंदी के लिए विशेषकर हमारी पुरानी वीडियो हैं जो कि आपको बहुत ही फायदा करेंगी, हम इनकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, और हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसी लगी है, ठीक है, तो ये चीज़ें जरूर करना, ठीक। तो चलिए देखते हैं रीजनिंग के बारे में, देखते हैं, देखिए रीजनिंग में क्या है कि आपको रक्त संबंध से, ब्लड रिलेशन से, दिशा परीक्षण से कम 3-4 क्वेश्चन मिलते हैं, नंबर और वो और अल्फाबेट ऐसे मिला के, पांसा से पिछली बार 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, कथन निष्कर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देखना, जो कथन निष्कर्ष से 3-4 चीज़ें होती हैं वो चीज़ें आपको देखनी देखनी है, इनसे आपको बचना नहीं है, ठीक, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे आएंगे, ठीक। फिगर काउंटिंग एक आध क्वेश्चन मिला, प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, इनसे कैलेंडर को देख लेना है, वेन आरेख, वेन आरेख तो वैसे सरल होता है, अल्फाबेट सीरीज, ठीक, अल्फाबेट सीरीज, इन पे आपको ज़्यादा गौर देना है, मतलब ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, इसके अलावा भी आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आपको कोई चीज़ छोड़ देना है, इनको आप अच्छे से पहले तैयार करो, उसके बाद आपको और भी चीज़ें कवर करनी है, ठीक, ज़्यादा भागना नहीं है, ठीक, सेलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है, ठीक, ये चीज़ें हो गई। अब गणित की बात करते हैं तो संख्या पद्धति सरलीकरण, संख्या पद्धति सरलीकरण, यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन मिलेगा, लाभ हानि प्रतिशत बट्टा सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन देखने में मिल जाएंगे केवल इसी से, ठीक। समय और टंकी से, इससे 2 क्वेश्चन कम से कम, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से, इससे 3 क्वेश्चन कम से कम आपको देखने को मिलेंगे, CISI बहुत ही सरल है, और चाल, समय, दूरी, रेलगाड़ी, नाव, इनसे ना, तो आपको कहने का मतलब यह क्या है कि इतनी चीज़ें आपको अच्छे से कर लेनी है, मैथ में अगर अच्छे नंबर पाने तो ये जो हमने बताएं इन इस चैप्टरों को आपको अच्छे से लगाना है। इसके अलावा देखिए इधर उधर ज़्यादा भागना नहीं है कि आपको
अगर आपको मैथ नहीं आती है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, केवल सिंपल से क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। प्रीवियस ईयर के जो प्रैक्टिस सेट कुछ है जो हमने डाल रखा, अगर नहीं है तो आप हमें कमेंट कर दो, कि हम आपको प्रोवाइड जरूर करा देंगे, जो पिछले पेपर पूछे गए हैं पुलिस के हों किसी भी के, है ना, तो उनके हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर देंगे, ठीक। आपको उसमें देखना है किस प्रकार क्वेश्चन पूछाते हैं, कुछ तो क्वेश्चन एकदम सिंपल होते हैं जिनको आप आंसर बेस से आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, अगर आपकी मैथ कमज़ोर है तो 38 में से आप 15-20 क्वेश्चन तो आसानी से कर ही सकते हैं ना, और थोड़ा सा अगर मेहनत कर लेंगे, अभी बहुत टाइम है ना इन चैप्टरों पे, तो आप अच्छे से 20 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हो, ठीक। 20 क्वेश्चन तक आप अच्छे से आराम से पहुंच सकते हो, ठीक। तो चलिए देखते हैं, अब देखिए अब इसका सेफ स्कोर कितना होगा, अगर आपने इसकी तैयारी की है तो इसका सेफ स्कोर कितना होगा ये भी जानना जरूरी है ना। तो देखिए ये चीज़ कोई एकदम सा एकदम 100% सही भी नहीं हो सकती, मगर एक अंदाज़ा होता है कि हाँ इतने क्वेश्चन आप अगर कर लेते तो आप उसके अंदर रहेंगे, ठीक। इतना तो गारंटी है कि अगर इतने क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग चलते हैं, इतने क्वेश्चन अगर आपने सही किए तो आप कोई बाहर नहीं कर पाएगा, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की, हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी के आपको कितने क्वेश्चन आएंगे, उसमें 37 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। रीजनिंग के 37 होंगे और जीएस के 38 और मैथ के 38, ठीक। कभी कभार क्या होता है कि जैसे कि पिछले पेपर में देखे थे हमने, तो देखिए हिंदी के तो 37 थे, रीजनिंग के 37 नहीं थे, ठीक। मतलब कि जीएस के 38 थे, जीएस के 38 क्वेश्चन थे, हिंदी के 37 ही थे, मगर जो रीजनिंग है और मैथ है तो मैथ के केवल 18 क्वेश्चन थे, बाकी जो बचे 20 क्वेश्चन इसमें शामिल कर दे, 57 क्वेश्चन इसमें कर दिए गए थे, ठीक। तो इस तरीके से था, ठीक। तो आपको रीजनिंग अच्छे से पढ़नी है, मैथ अगर कमज़ोर है तो ज़्यादा ध्यान ना दें, मगर केवल बेसिक थोड़ा सीख लें, ठीक। थोड़ा बेसिक सीख लें, ऐसा नहीं कि मैथ के बिना सक्सेस नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक। क्या पता कि आपको पिछले जैसा ही मैथ के क्वेश्चन कम दिए जाए, है ना, तो ये चीज़ें ठीक, मगर आपको तैयारी करनी अच्छे से करनी है। और मैथ में अगर आप 20 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, 20 क्वेश्चन कर लिया बहुत है, ठीक। तो इस तरीके से आपको करना है। चलिए हम देखते हैं, अगर आप कितना भी कम करते हैं, तो देखिए अगर हिंदी में मानते हैं आपने 30 से 32 क्वेश्चन कर दिए, ठीक, 37 में से आराम से कर लोगे, आपको क्या करना है, हमारे जो पीडीएफ हम देंगे या फिर हमारे चैनल से जो आपको लिंक मिलेगी, इसके वीडियो के नीचे लिंक मिलेगी, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है और नोट्स जरूर बनाना। देखिए मेन चीज़ क्या होता है, नोट्स, ठीक। अगर नोट्स आप बना लेंगे अभी तो जैसे ही पेपर आएगा तो आप उसका रिविजन अच्छे से कर पाएंगे, ठीक। तो आपको 30 या 32 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, किसमें है, हिंदी में से, ठीक। कितने में से, 37 में से आराम से कर लोगे, आराम से आप हिंदी में पूरे पूरे भी कर सकते हो, ठीक। तो 30 से 32 कोई ज़्यादा नहीं है, 35 तक भी कर सकते हो इससे, ठीक। ये हमने बहुत ही न्यूनतम लगाया। रीजनिंग के मान लिया आप 38 क्वेश्चन में से आप कितने कर सकते हो, रीजनिंग आसान होती है, कितने, 30 क्वेश्चन तो कर ही लोगे इसमें भी, ठीक। 30 से 32 क्वेश्चन इसमें भी कर लोगे आराम से रीजनिंग में। जीएस में मान लिया भाई जीएस थोड़ा सा टफ होता है, तो आप 38 में से कितने, 25 क्वेश्चन तो कर ही लोगे भाई, 38 में से 25 क्वेश्चन हमने बहुत ही कम माने, ठीक है, बहुत ही कम माने। और गणित में से जो मैथ है, मैथ में आप 25 क्वेश्चन मैथ में भी कर लोगे, ठीक, मैथ में भी 25 क्वेश्चन कर लोगे, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो। मान लिया 25 नहीं करते तो इसमें किसी में से ज़्यादा किसी में से कम, और अगर नहीं भी करते 20 क्वेश्चन भी अगर आपने कर लिए, 25 से 20 कर लिए, फिर भी आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं भैया, 115, सॉरी 105 या 110 क्वेश्चन बन रहे हैं, 105 या 110 क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप 110 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं, 110 क्वेश्चन आप सही से करते हैं, ठीक, देखिए यकीन मानिए अगर 110 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करते हैं एकदम सही सही, और एक या दो क्वेश्चन गलत होता है उसकी बात अलग है, तो आप 100% श्योर हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। 100% श्योर हो जाइए कि अगर 100 के ऊपर आप बढ़ते हैं, 100 के ऊपर आप बढ़ते हैं, 102 103 तक आप टच करते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो ही जाएगा। अगर आप जनरल में है तो 105 प्लस, और अगर ओबीसी में है तो 100 प्लस होने ही चाहिए, ठीक। और देखिए ऐसा नहीं कि आप पूरे 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दो और आपके काट पीट के 100 क्वेश्चन बने तो आप कह दो नहीं हम सेव हैं, ऐसा कभी नहीं करना भैया, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप कितने भी क्वेश्चन कर लो, आपको क्वेश्चन उतने ही करने जितने आते हैं, ठीक। हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आपने मान लिया कि आपने 100 क्वेश्चन किए हैं और आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, तो जो जो इंसान पूरे 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है और उसके 120 क्वेश्चन सही हैं, वो 120 काट पीट के उसका बना, तो वो आपसे पीछे चला जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है भैया। इसमें आपको कम क्वेश्चन करने हैं मगर श्योर करने हैं, ठीक है, ज़्यादा गलत नहीं करने हैं। आप केवल और केवल 102 क्वेश्चन कर दो, 102 क्वेश्चन कर दो और गलत ना करो, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन से हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको जो क्वेश्चन है वही करने हैं, ऐसा भी नहीं है कि 80 क्वेश्चन करके आप छोड़ दो पेपर, भाई कम से कम 100 तक तो पहुंचना है। 100 तक अगर आपको लगता है 100 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट कर लिए हैं बिल्कुल बिना गलत किए, तो आपको ज़्यादा गलत करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक, ज़्यादा गलत करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज़ें हैं कि आपको देखना है कि
अच्छा, जो भी करना है सही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, जो भी करना है सही क्वेश्चन करने हैं। देखिए कुल प्रश्न कितने होते हैं, कुल प्रश्न आपको कितने करने, लगभग लगभग 110 क्वेश्चन करने हैं। अगर ज़्यादा कर सकते हो तो अच्छी बात है, मगर ज़्यादा गलत नहीं करने, ठीक। 110 क्वेश्चन करते हो, अगर मान लो दो चार क्वेश्चन आप गलत भी कर देते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर दो चार क्वेश्चन गलत भी हैं कोई दिक्कत नहीं है, चार पाँच क्वेश्चन गलत हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप 100% श्योर है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। संभावित कटाव क्या होगी, यही आप मान लो कि देखिए 100 से ऊपर अगर हैं ओबीसी के, ओबीसी ज़्यादा गलत नहीं किए, गलत नहीं किया है तो 100 क्वेश्चन एकदम राइट हो। ऐसा नहीं कि आप 120 क्वेश्चन करो और 20 क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन सही हो और 15 क्वेश्चन गलत, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। मतलब कि श्योर एकदम कि ज़्यादा गलत गलत क्वेश्चन होना है ना, गलत क्वेश्चन नहीं होने चाहिए और पूरे पूरे सही होने चाहिए। अरे एक दो क्वेश्चन की बात अलग है, ठीक। तो ये चीज़ें हों संभावित हो जाएंगी, ठीक। 100 के ऊपर आपको जाना पड़ेगा, चाहे जिस कैटेगरी में हो, ओबीसी हो या जनरल हो। जनरल हो तो कम से कम 105 के ऊपर आपको जाना है, ओबीसी हो तो आपको 100 के ऊपर जाना ही जाना है, ठीक। तो ये कट ऑफ हमारे हिसाब से होनी चाहिए। देखिए एकदम से श्योर भी नहीं है, दो चार नंबर आगे पीछे हो सकती है, ठीक। ऐसा नहीं है कि, है ना। तो और बात कर लेते, देखिए और कट ऑफ इतनी ज़्यादा भी नहीं जाएगी, उसके भी कई रीज़न हैं। क्योंकि देखिए हम बता देते हैं कि जब 2006 में वैकेंसी आई थी, सॉरी 2016 में जब वैकेंसी आई थी, उसके बाद बहुत सारे पेपर हो चुके हैं पुलिस के, दो तीन आपने देखा होगा, दो तीन पेपर हो चुके हैं। तो उसमें जो भी लोग सिलेक्शन हो जाएंगे इसी में से बहुत से बच्चों ने डाले होंगे, ठीक। जो उसमें हो रहे हैं वो इन उन उन्होंने इसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डाले, आधे से आधे नहीं कह सकते, फिर भी 10% 15% बच्चे तो होंगे ही ना जिन्होंने पुलिस में डाला, वो हो गए हैं और इसमें भी डाला होगा ना, ऐसा हो सकता ना। तो ये चीज़ें मतलब 2-3% जो भी होंगे हमें नहीं पता, बहरहाल कुछ ना कुछ तो होंगे। उसके बाद कई सारी वैकेंसियाँ हैं जिनमें लोग हो गए हैं, चाहे वो बीडीओ हो, है ना, जूनियर असिस्टेंट में भी अगर इससे पहले हो जाएगा पेपर उसका तो, है ना, अभी टाइपिंग वाइपिंग रह रही। तो ये चीज़ें हैं कि ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे लगभग लगभग इसमें जिसके मतलब कोई डाटा तो है नहीं, मगर फिर भी लगभग लगभग हमारे अंदाज से 6 लाख वाक फॉर्म हैं इसके, ठीक। 5 से 6 लाख फॉर्म इसमें डाले गए थे, तो याद रखेंगे, कोई ज़्यादा जल्दबाजी आपको करनी नहीं है, आराम से पढ़ना है। और हाँ अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करना, अगर कुछ है आपके दिमाग में आपको लगता है नहीं ये कट ऑफ कम है ज़्यादा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमें बता सकते हैं, ज़रूर कमेंट जरूर करना, ठीक। और अगर आप इच्छुक हैं तो हमारी लाइव क्लास होती है 12 बजे, इसके लिए आपको क्या करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबाना है। और अगर किसी चीज़ की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको फॉलो कर लेना है, ठीक, ज्वाइन कर लेना है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आपको बताना है, ठीक। चलिए धन्यवाद, और हम जो भी हिंदी के इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसकी हम लिंक इसमें डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, उनके वीडियो देखकर आप अच्छे से नोट्स जरूर बनाइएगा। देखिए नोट्स जरूर बनाइएगा तभी आपको मज़ा आएगा, ठीक, पढ़ने में। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।